और जहाँ तक मेरा मानना है, ये सभापति जी शुरू से ही गाय और गरीब के तो विरोधी रहे हैं। गायों को भी वो नंदी नंदी करके वो गौशालाओं में भेज दिया। आज दिन तक सभापति जी ने जाकर वहाँ नहीं देखा कि वो नंदी जीवित भी है या नहीं। बिल्कुल इनकी तो शुरू से ही नियत में खोट है। नंदीशाला के लिए वो भूमि आवंटन हुई है, पर कहीं भी ये लोग नंदीशाला का जिक्र ही नहीं करना चाहते। वहाँ पर इन्होंने जो बोर्ड लगाया उसमें भी कोई नंदीशाला का जिक्र नहीं है। मुझे यह भी दुख है सर, थोड़ी सी घटना होते ही वो जो कुछ पार्षद बार बार ज्ञापन दे देते, आवारा सांडों को हटाओ, आवारा मवेशियों को हटाओ, तो आज क्या उनके मुंह पे टेप लग गई? जब हम समाधान की बात करें, एक भी पार्षद उनमें से आगे नहीं आ रहा। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है कि नगर परिषद की जो सभापति है मधु जी नुहाल, उनके पति भगवान जी नुहाल ने ही इस जमीन पे कब्जा कर रखा है, इसलिए ये लोग ढिलाई कर रहे हैं। बाकी जब गोभक्त अगर अपनी पे आएगा ना, तो इतना बड़ा उग्र आंदोलन कर देंगे, बूंदी को हिला देंगे। गांव के किसान हैं हम, मगर ये प्रभावशाली लोगों के चक्कर में जिला प्रशासन ही अगर प्रभाव के दबाव में आ रहा है, ये जो भ्रष्ट राजनीति है, ये हम इससे परे हैं। हम गौशाला के लिए बड़ा संघर्ष करेंगे और इतना बड़ा उग्र रूप लेगा ये आंदोलन, या तो ये 2-5 दिन में सोच लें। और इन जो यहाँ पे गौ समर्थक, 20 समर्थक नहीं है, यहाँ 20,000 समर्थक हैं, 20 को ना माने। जब भी प्रशासन की अगर उम्मीद हो कि कहाँ है 20,000, तो मैं 20,000 भी बता सकता हूँ। 100% सरकार के खिलाफ भी सभापति काम कर रही है। सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, अशोक जी गहलोत की अच्छी योजनाएं हैं, मैं बुरा नहीं करना चाहता। बाकी यहाँ पर अशोक जी गहलोत की निंदा कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सभापति कांग्रेस का है, विपक्ष का होता तो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं अच्छा करो, और यही का सभापति उस दबाव में प्रशासन को दबाता है कि नहीं साहब हम तो कांग्रेस के हैं। बाकी वो उसकी नीयत अच्छी नहीं है, 11 बीघा के साथ 28 बीघा को भी कब्जा लेना चाहते हैं। सर्वप्रथम गौ माता की जय। नंदीशाला के लिए नगर परिषद ने जो हठधर्मितापूर्ण रवैया अपना रखा, ये बिल्कुल ही गलत है, और ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बूंदी की जनता के लिए बिल्कुल गलत है। ये नंदीशाला का निर्माण उन्होंने वो अतिक्रमण हटा दिया, बाकी उनकी अभी इच्छा नहीं है कि उनका काम चालू कराएं। यदि वो काम चालू करा देंगे तो केवल भूमि पूजन से ही मतलब नहीं है, भूमि पूजन करके भी वो अलग हट सकते हैं। इसलिए हमको ये चाहिए भूमि पूजन करा करके नंदीशाला का निर्माण भी साथ में चालू हो, और हम जो गोभक्त यहाँ बैठे हुए हैं इनको या तो वो खुद सरकारी जो खर्चे से चलाएं, या उनको इस समय इच्छा नहीं है तो जो सरकारी अनुदान आता है वो नंदी अपने जो गोभक्त हैं इनको वो दे दें, ताकि ये सुचारू रूप से चालू करने वाला पे भगवान जी नुहाल जो पूर्व प्रधान रहे तारेड़ा के, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। केवल गाय की ही या गोवंश की ही जगह मिली है अतिक्रमण करने की, पूरी बूंदी पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है क्या उनके लिए? पूरी बूंदी खा जाएंगे ये लोग। हाई कोर्ट का आदेश है स्पष्ट कि 3 महीने में जगह खाली कराई जाए, 11 बीघा उसके बावजूद भी पालना नहीं हो रही है। आज इनकी पालना नहीं हो रही तो ये कोर्ट की अवमानना कर रही है, तो कोर्ट ऑफ कंट्रे में ये जेल भी जा सकते हैं और जेल जाना चाहिए इनको। पिछले 26 दिनों से धरने पे बैठे, अभी तक कोई आश्वासन मिला है और ना ही कोई है आगे बाहर तक, क्या कहना है?
उनकी हर धर्मिता उनको जाने कैसे तो भाग्य बिल्ली के भाग्य छीका टूट के कुर्सी मिल गई है जीवन में। अब इस परिवार को कभी उच्च पद पे कोई कुर्सी मिलने वाली नहीं है। सरकार के द्वारा आज कल चरागा जो सिवाई चकबंदी इनके कब्जे हैं उनको तक हटाने के लिए आजकल बहुत सख्ताई में आ रही है, मगर ये है तो जो गौशाला के नाम से जो जमीन आवंटित है उस पर ही कब्जे जमाए हुए बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसका कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली लोगों का वजह से ये हर कब्जे नहीं हट पा रहे? निश्चित रूप से प्रभावशाली जो लोग हैं खुद भगवान जी निवाल जो मधु निवाल जी जो पूरे अपने सभापति उनके पति हैं ये पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और उन्हीं के प्रभाव से उनके साथ में जो दूसरे रसुकाद वाले जो लोग हैं उनके प्रभाव से ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं वहाँ पर, ये 100-200% सत्य बात है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम पे तो गौ माता करके वोट बैंक बनाते हैं, इनको कौन वोट देगा? इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। मैं नहीं, ये गौ माता नंदी बाबा खड़े हुए हैं, ये भी खुद भी कह रहे हैं अपने खड़े हो गए वो कि हम कोई वोट देने वाले नहीं है उनको। क्या लगता है गौ माता का श्राप लगेगा? बिल्कुल गौ माता का श्राप लगेगा, साधु संतों का श्राप लगेगा, गौ भक्तों का श्राप लगेगा कि इनको वोट कोई देने वाला नहीं है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर लगभग पूरे के सभी संगठनों व्यापारियों एवं समाज के अध्यक्षों ने समर्थन किया है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करना चाहते नंदीशाला निर्माण। गणित में एक सिद्धांत है 99-0, पूरा सबका समर्थन है, बाकी वो जीरो हो रही है 99 पूरे पिछले 99 को जीरो से गुना करेंगे पूरा जीरो हो रहा है, वो जीरो कर रही है, बाकी वो जीरो नहीं है, बाकी हम सबके लिए या आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा फलदायी साबित होगा। सनातन धर्म में गौ माता को सबकी माता कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए, क्या कारण है जो उनकी हठ धर्मिता और पद लोलुपता के कारण वो ऐसा कर रहे हैं? पद में अंधे हो रहे हैं वो, जब पद चला जाएगा तो गौ माता के चरण धोएंगे, पूंछ पे माता भी फिराएंगे, उनको चारा खिलाएंगे, सब करेंगे वो। तो आपके कहने का मतलब पद में विलुप्त हो रहे हैं तो आगामी चुनावों में इसका नतीजा बिल्कुल मिलेगा और उनको और उनकी पार्टी को बिल्कुल भी समर्थन किया, उनको वोट मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो गोभक्त की बात करेगा केवल उसी को काम होगा, उसके अलावा किसी का काम नहीं करेंगे। जल्द ही नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हुआ और गोभक्तों को आंदोलन करना पड़ा तो आपका क्या रुख रहेगा? हमारा ये रहेगा कि नंदीशाला का निर्माण चालू नहीं हुआ तो हम आंदोलन करते रहेंगे, इसको उग्र रूप में हम करेंगे, जैसे बूंदी बंद करेंगे, राजस्थान बंद कराएंगे और ज़्यादा ही होगा तो हम आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। आपका नाम? संदीप चतुर्वेदी, विश्व हिंदू परिषद का नगर उपाध्यक्ष, पुजारी सेवक संघ का जिला महामंत्री। अब देखो सर 26 दिन हो गए, नगर परिषद की तरफ से अभी कोई संभाल भी नहीं पूछी गई, तो मुझे लगता है ये कोई समाधान के मूड में नहीं, कोई समाधान चाहते ही नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है ये सभापति जी शुरू से ही गाय और गरीब के तो विरोधी रहे हैं, हमेशा इनको उजाड़ने का ही काम किया है, गरीबों को इधर का उधर कर दिया, उधर का उधर कर दिया, और वहाँ कोई पीने का पानी मतलब उपलब्ध नहीं हो रहा है, गायों को भी वो नंदी नंदी करके वो गौशालाओं में भेज दिया। आज दिन तक सभापति जी ने जाकर वहाँ नहीं देखा कि वो नंदी जीवित भी है या नहीं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, तो ये इनका जो कहीं ना कहीं इनको बद्दुआ भी लग रही है इनडायरेक्ट में गाय और गरीब की, उनसे भी ये बचे और इनका भी उचित समाधान हो। गौशाला की जमीन पे तो इनके कुछ लोगों का कब्जा जमाए हुए बैठे हैं, किस प्रकार से गौवंश सुरक्षित रहेंगे, किस प्रकार से उनका समाधान हो पाएगा? यह भी बहुत दुखद विषय है सर, जो जमीन गौशाला के लिए आवंटित हो चुकी उस पर भी प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है, और वो उनके सब हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आपको एक प्रति भी उपलब्ध करा देंगे। प्रभावशाली लोग हैं और सक्षम लोग हैं और वहाँ चावल उगा के और उन चावलों से इनका भंडार भरेंगे, ये इनकी मानसिकता है, ये बहुत हल्की सोच है। जबकि ठीक है कब्जा था, यहाँ तक था, जब
प्रस्ताव बने, आवंटन हुआ जब तो आप नहीं बोले, और जब आप आवंटन हो चुकी तो आपको तुरंत गौशाला की जमीन छोड़ देना चाहिए, आगे होके छोड़ देना चाहिए था। क्या लगता है आपको नंदीशाला निर्माण में कहीं ना कहीं इनकी बाध्यता नजर आ रही है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये नंदीशाला पर भी आवश्यक या अनावश्यक विवाद करके उसको भी अटकाना चाहते हैं, और ये लोग कान का उस पर कब्जा करना चाहते हैं। रामगंज बालाजी क्षेत्र में जहाँ पे अभी 28 बीघा भूमि अलॉट हुई है, उनकी जमीन है, वहाँ पे जो अभी नगर परिषद को जो जमीन आई है सरकार ने, उसमें भी बोर्ड पे कुछ बोर्ड का इशू लेके जानकारी मिली है? बिल्कुल, इनकी तो शुरू से ही नियत में खोट है। नंदीशाला के लिए वो भूमि आवंटन हुई है, पर कहीं भी ये लोग नंदीशाला का जिक्र ही नहीं करना चाहते। वहाँ पर इन्होंने जो बोर्ड लगाया उसमें भी कोई नंदीशाला का जिक्र नहीं है, और जहाँ तक हमने वो एक टेंडर देखा हमारे सामने आया तो उसमें भी कोई नंदीशाला का शब्द नहीं है। तो ये नंदीशाला को क्यों छुपा रहे, क्या इनकी मानसिकता है, क्या करना चाहते हैं, एक बार ये भी तो अपना वक्तव्य तो सामने रखें। हम बार बार इन पर हमारी बात आप लोगों के मार्फत से हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हो, नहीं तो यहाँ तो जो प्रमुख मुख्य दो अखबार है वो दोनों भी हमारी खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है उससे वो विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम बता रहे हैं उनको भैया गौशाला की ज़मीन पर यह फला व्यक्ति का कब्जा है, हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो आदमी कह रहा है भाई हमारा कब्जा नहीं। तो या तो ये तहसीलदार साहब फिर गलत रिपोर्ट बना रहे हैं, या आप किसी के कहने से ऐसे छाप रहे हो। तो ये दोनों अखबार भी कान का ये दोषी है। जब गौ माता की कोई दुर्घटना या ऐसी कोई बात होती उसको तो आधे पेज की खबर में लगाते हैं, जब हम समाधान की बात कर रहे हैं तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, सच्चाई की खबर नहीं लगाई जाती। ये भी एक हम गौ भक्तों के साथ और गौ माता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मीडिया को भी एक स्तंभ कहा जाता है, अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पीछे हटेंगे तो हम किन के सारे तो लड़ेंगे, कौन आदमी आवाज़ उठाएगा। ये बहुत ये तो कुछ भी कर सकते हैं सर, ये तो नगर परिषद को तो इनका घर का राज ही है, जो चाहे जो कर सकते हैं। उसको मनोरंजन में खर्च करना कहाँ तक जाएगी, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका विवेक मर गया है सर, इनकी आत्मा मर गई है। जो इन बेजुबान जीवों के लिए अगर कुछ नहीं कर सकता ना, तो मेरा मानना है कि वो किसी का भला नहीं कर सकता। तो आपने बताया कि आप जो है बताया कि ये खबरों को पूरी तरह से जिम्मेदारी से भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या इन दोनों प्रमुख अखबारों का विरोध है? मैं आप लोगों के चैनल के मार्ग पर सभापति जी को बताना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आपकी है, गोवंश को रख रखाव, इनका चारा पानी, बीमार दुर्घटनाग्रस्त इनका इलाज कराना, इनको रेस्क्यू करवाना, इनका चारा पानी करवाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको ये ध्यान नहीं हो तो मैं आपके चैनल के मार्फत उनको बता रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये सारा गौसेवकों के ऊपर डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। गौसेवक सिर्फ इतना कर सकते हैं, कहीं भी कोई चोटिल गाय है, बीमार गाय है, तो उसको उठाकर भले अपने खर्चे पर उठाकर उसको निश्चित जो स्थान है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थान ही नहीं है सर। हम भी ले जाएं तो कहाँ ले जाएं, पशु चिकित्सालय में हम लोग थोड़ी सी जगह बनाकर सेवा कर रहे हैं, पूरे ज़िले भर से गोवंश आते हैं, कहीं भी कोई रखने की व्यवस्था नहीं है, तुरंत बूंदी रेफर कर देते हैं। अब हमारे पास लगभग 150 से 200 गोवंश है, पशुपालन डिपार्टमेंट है उनके सामने हम लोग काम कर रहे हैं, गौशाला वाले थैला ले लेकर वहाँ से अनुदान ले जाते हैं गर्दन नीचे करके, सब देख रहे हैं पर कोई नहीं बोल रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इनको बहुत जल्दी सबक सिखाने की भी आवश्यकता है। नंदी गोवंश की तो दयनीय हालत यही सही, नंदी गोवंश की वजह से शहर के कई लोगों की दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है, तो लोगों की स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी नगर परिषद पर आती है। मुझे ये भी दुख है सर, थोड़ी सी घटना होते ही वो जो कुछ
पार्षद बार बार ज्ञापन दे देते आवारा सांडों को हटाओ, आवारा मवेशियों को हटाओ, तो आज क्या उनके मुंह पे टेप लग गई? जब हम समाधान की बात करें, एक भी पार्षद उनमें से आगे नहीं आ रहा, और न किसी के साथ घटना हुई, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या हम 10-20 लोगों का ही विषय है क्या? सभी का विषय है, सब लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। और मैं समस्त बूंदी की जनता से निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग गोवंश का बेहतर समाधान चाहते हैं तो हमारे समर्थन में आए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाए। हम भी आपको बताएंगे कि कैसे गौ सेवा होती है और कैसे गौ माता की सुरक्षा होती है। अरे गौ माता की हमारी टीम तो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए तत्पर है। हम कहीं से कहीं तक हमारे स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे। गौशाला भी इन्होंने ही जमीन मांगी थी, हम लोगों ने तो प्रयास करके कहा भाई ये गौशाला बनाएंगे साहब, इनको जमीन दो, जमीन मिल गई। नंदीशाला का विषय आया तब भी हमने तो आंदोलन किए, मुकदमे झेले और इनको जमीन दिलाई भाई साहब नगर परिषद नंदीशाला बनाना चाहती, इनको जमीन दो। हमें तो लगता था ये जमीन मिलते ही तुरंत निर्माण शुरू कर देंगे, लेकिन एक महीने से भी ऊपर हो गया। ये अखबार छापते हैं कि 28 बीघा का कब्जा नहीं मिला, हम तो तैयार हैं, 70 लाख को हमने टेंडर कर दिए, तो अखबार वालों के मुंह में भी चुप्पी लगी हुई है, सभापति जी के भी चुप्पी लगी हुई है। क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं ये 70 लाख का स्पष्टीकरण दे रहे हो, और क्यों अनावश्यक देरी लगा के आप इस मामले को लंबित किया जा रहे हो ताकि आचार संहिता लग जाए और वापस उसी में संबंधित कोई कब्जा कर ले और ये मामला अटक जाए। जल्द ही नंदीशाला निर्माण नहीं होता है तो क्या रूपरेखा रहेगी? अब रूपरेखा हम सब आम जनता से मिलकर ही बनाएंगे सर। हमारा कार्य जो भगवान ने हमें सौंपा है उसको हम निभा रहे हैं, आगे जैसे ईश्वर की इच्छा। 26 दिन से कंटिन्यू लगातार आपका धरना चल रहा है और रूपरेखा भी बना रहे, कर रहे हैं, सभी समर्थन भी दिया है सभी लोग, क्या पंचायत या तहसील स्तर पर भी गोबक में जाकर धरना प्रदर्शन का कोई ऐसी कोई रूपरेखा? हाँ बिल्कुल सर, एक सब्र की भी कोई सीमा होती है, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो गोबक अपने तरीके से भी इनको मनाना जानते हैं, और बहुत जल्दी हम सब लोग आपस में मीटिंग करके और योजनाबद्ध तरीके से आगे का निर्णय करेंगे। अपना नाम और सब बता दें। मेरा नाम गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौसेवा संस्था। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है कि नगर परिषद की जो सभापति है मधु जी नुहाल, उनके पति भगवान जी नुहाल ने ही इस ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, इसलिए ये लोग ढिलाई कर रहे हैं। बाकी जब गोभक्त अगर अपनी पे आएगा ना तो इतना बड़ा उग्र आंदोलन कर देंगे, बूंदी को हिला देंगे। गांव के किसान हैं हम गांव के किसान हैं, और इस गौ माता की रक्षा गाँव का ही किसान करता है, दुखी भी गाँव का किसान है। गाँव के किसान की फसल खाती है, शहर में एक्सीडेंट होता है, गौ माता भी दुखी है, तो ये एक ज्वलंत समस्या है गौ माता। अब वो क्या है कि उन्होंने 11 बीघा पे जब कब्जा किया भगवान जी नुहाल ने और अपना अतिक्रमण जमा के बैठे हैं, तो उनको पहले ही मिल गया, इसलिए वो इस 28 बीघा के लिए भी नंदीशाला के लिए गुमराह करके इस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पर अब ये इनको हम करने नहीं देंगे। गाँव का किसान जाग उठाए, इस नंदीशाला को इतना बड़ा समर्थन है कि जब भी ये नंदीशाला की कार्यकारिणी कहेगी 5000 बंदे बूंदी शहर के अंदर में लेके आऊंगा। मैं गो सेवक हूँ और पिछले 10 साल से इस गौ माता को फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मगर ये प्रभावशाली लोगों के चक्कर में जिला प्रशासन ही अगर प्रभाव के दबाव में आ रहा है, या ये जो भ्रष्ट राजनीति है ये हम इससे परे हैं। हम गौशाला के लिए बड़ा संघर्ष करेंगे और इतना बड़ा उग्र रूप लेगा ये आंदोलन, या तो ये 2-5 दिन में सोच लें। और इन जो यहाँ पे गौ समर्थक 20 समर्थक नहीं है, यहाँ 20,000 समर्थक हैं, 20 को ना माने। जब भी प्रशासन की अगर उम्मीद हो कि कहाँ है 20,000, तो मैं 20,000 भी बता सकता हूँ। हम तो शांति प्रिय लोग हैं और शांति से इस धरने को चला रहे हैं, बाकी इन 20 लोगों के साथ 20,000 लोगों का समर्थन है। ये प्रशासन अपनी भूल को सुधार ले,
नहीं तो इतना शीघ्र इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा और इस गौ माता को 28 बीघा में नहीं हम फॉरेस्ट में छोड़ेंगे, क्योंकि इस गौ माता की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। खेत पर किसान परेशान है, रात को 2 बजे तक बैठा रहता है। शहर में पब्लिक परेशान है, किसी माँ का इकलौता लाल एक्सीडेंट में मर जाता है। तो ये इतनी बड़ी ज्वलंत समस्या कहाँ बैठी है सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो या बूंदी की सरकार हो। प्रशासन को बिल्कुल सख्ती से हम निपटेंगे, प्रशासन को देखना पड़ेगा और नहीं देखेगा तो हम इतनी बड़ी तादाद में बहुत शीघ्र में इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं कि बूंदी में इतिहास गवाह देगा कहाँ कोई गाय का आंदोलन हुआ था। किसानों ने पूर्व में भी 13-13 महीने तक आंदोलन करके केंद्र सरकार को घेरने तक ला दिया था, आपने भी किसान का जिक्र किया है, क्या राजस्थान में भी किसान अब इस आंदोलन में समर्थन दिया है तो इन मांगों को मानना पड़ेगा सरकार। बूंदी विधानसभा इस राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इसको लाके रखेगी मुद्दे को, और पूरे भारत की ज्वलंत समस्या है, और बूंदी का किसान ही हिला देगा सरकार को। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन ये प्रशासन कह दे कि हम परसों के दिन देखना चाहते हैं तेरी 20,000 पब्लिक, तो मैं कल ही आग इकट्ठी कर दूँ। इतना आक्रोश में है किसान, इस गौशाला नंदी गौशाला को देख रहा है, 26 दिन के धरने को देख रहा है, इन लोगों के त्याग को देख रहा है। बाकी किसान बहुत सक्रिय हो गया और ये नंदीशाला और गौशाला के लिए अगर अभी छोटी बात है उसको जल्दी सुलझा लें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बूंदी में भी नगर परिषद कांग्रेस का बोर्ड है, मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला निर्माण करवाना, जमीन सरकार द्वारा लुटपेट कर दी गई है, क्या माने सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ काम कर रही है? 100% सरकार के खिलाफ ही सभापति काम कर रही है। सरकार की अच्छी योजना है, अशोक जी गहलोत की अच्छी योजना है, मैं बुरा नहीं करना चाहता। बाकी यहाँ पर अशोक जी गहलोत की निंदा कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सभापति कांग्रेस का है, विपक्ष का होता तो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं अच्छा करो, और यहीं का सभापति उस दबाव में प्रशासन को दबाता है कि नहीं साहब हम तो कांग्रेस के हैं। बाकी उसकी नीयत अच्छी नहीं है, 11 बीघा के साथ 28 बीघा को भी कब्जा लेना चाहते हैं, 11 बीघा कब्जा के बैठे हैं, फिर 28 बीघा और मिल रही है, तो ये लोगों के मुंह खून लगा हुआ है। बाकी अब ये किसान नंदीशाला के साथ है, ग्रामीण लोगों से मेरी चर्चा हुई है, मैं 3 दिन तक दौरा करके आया हूँ। बाकी इतना बड़ा आंदोलन है कि इस गाय को हम फॉरेस्ट में छोड़ेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राकेश गोस्वामी है, ग्राम सुहासा जिला बूंदी का रहने वाला हूँ और गो भक्त हूँ। संगठन में कोई पद नहीं है, मैंने पिछला चुनाव विधायक का निर्दलीय लड़ा था बूंदी से और फिर तैयारी में हूँ। बाकी इस गौ माता के लिए ही मात्र मेरा राजनीतिक संपर्क है, मैं इस गौ माता को सुखी देखना चाहता हूँ और पर्सनल तौर पे सरकार से 1 रुपया नहीं मांग रहे, पूरे भारत देश की गौ माता के लिए मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।